हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक रेडीमेड स्टाइल में चाक वाली फ्रॉक सूट। गाइस, इसे मैंने सिर्फ ओनली 270 रुपीज़ में तैयार किया है। 250 रुपये का मैंने ये कपड़ा लिया था और लगभग 10 या 15 रुपये की ये लेस लगी है, जिसे मैंने बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस खुद ही घर पर तैयार कर लिया है। तो गाइस, ये मेरे पास कपड़ा था जो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया था, और ये कपड़ा मेडाल कॉटन है। गाइस, ये डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई है 34 इंच। हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। तो गाइस, हमारी टोटल सूट की जो लेंथ है वो है 45 इंच। तो हमें सबसे पहले हमें लोअर पार्ट को कट करना है। तो लोअर पार्ट है हमारा 29.5 इंच। इसी मेजरमेंट के अनुसार हम अपना पूरा निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। गाइस, आप भी घर पर रेडीमेड स्टाइल में अपने आप कम बजट में एक अच्छा सूट तैयार कर सकते हैं। अब हम अपना अपर पार्ट कट करेंगे, जिसकी टोटल लेंथ हमने 17 इंच ली है। ये हमारे फ्रॉक सूट की पेटी होगी। अब हम इसे इसी निशान से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। सेवनटीन इंच पर हम इसे अब कट कर देंगे। इसे हम 4 फोल्ड कर देंगे। शोल्डर पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। 7 इंच ही हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान 9.5 इंच पर लगाएंगे। ये ड्रेस मैंने थोड़ा लूज बनाया था। और कमर का निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा हम जो प्लेटें डालेंगे फिटिंग की, उसका निशान लगा देंगे। प्लेटें तो हमारी बीच में आएंगे, लेकिन ये हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये गोलाई लगभग 1.25 इंच के करीब है। मार्जिन के लिए लगभग हमने 1.5 इंच साइड से कपड़ा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 1 इंच हम नीचे से डाउन करके इसके ढाल देकर कटिंग कर देंगे साइड से। अब हम अपनी प्लेटों का निशान लगा देंगे। 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में गैप हम 4 इंच का करेंगे। 4 इंच का डबल हो जाएगा 8 इंच, क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा है। तीन इंच पर नेक का निशान लगाएंगे और फिर 1/2 इंच की डाउन कर देंगे।
सभी निशानों पर हम कट लगा लेंगे। गाइस ये जो प्लेटें हैं दो फ्रंट साइड पे डालेंगे, दो बैक साइड पे, आपको पता ही है। जैसे तो गाइस ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अभी हमने आर्म होल की बैक साइड की कटिंग के अकॉर्डिंग हमने अगली कटिंग कर ली है। जब हम नेक रेडी कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम अपनी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इसकी टोटल लेंथ 17 इंच है जो कम है। हमें थोड़ी इससे लंबी बनानी है आस्तीन, तो हम आगे इसको में जोड़ डाल देंगे जो लगभग 3 इंच है, और इसके सेंटर में हम लेस लगा देंगे जिससे हमारी आस्तीन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब टोटल लेंथ 20 इंच है। ये स्लिप्स मैं अपनी लूज ही तैयार करूंगी। नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल का हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तीन इंच पर हम ऊपर निशान लगाकर यहीं से हम आर्म होल के ढाल दे देंगे। स्लिप्स की मोहरी का हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम 9 इंच पर निशान लगाकर ठीक इसी से हम नीचे 6.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हम ढाल दे देंगे, क्योंकि हमें अपनी स्लिप्स आगे से लूज रखनी है। गाइस अब हम इन निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। गाइस गाइस इस पार्ट में हमने सिर्फ कटिंग की है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में हम इसकी स्टिचिंग और योक नेक कैसे मैं रेडी करती हूँ मैं उसको आपको दिखाऊंगी। पौने इंच की लगभग फ्रंट साइड की कटिंग कर देंगे। गाइस कटिंग हमारी हो गई है, तो हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना।